ट्रेडिशनल अप्रोच, ये अप्रोच ऐसी है जिसे 11th क्लास में स्कूल में सिखाया जाता है, क्योंकि इसे 11th क्लास में स्कूल में सिखाया जाता है तो ये हमारे कई स्टूडेंट्स के दिल के बहुत करीब होता है। मैं कोशिश करता हूँ जब भी 11th क्लास में स्टूडेंट को सिखाऊं तो ट्रेडिशनल अप्रोच की बजाय मॉडर्न अप्रोच से सिखाऊं जो अभी तक मैंने सिखाया। लेकिन अगर ऑलरेडी आप लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच से सीखा हुआ है तो आपको मॉडर्न अप्रोच में शायद मजा ना आए। लेकिन यहां मुझे एक बात क्लियर करना जरूरी है, वो ये बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हैं जो जर्नल ट्रेडिशनल अप्रोच से नहीं बन पाती, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं तो उसके लिए एंट्री होती है सैलरी अकाउंट डेबिट आउटस्टैंडिंग सैलरी। सैलरी में तो आप नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा देंगे, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक पर्सनल अकाउंट होता है जहां पर आप लगा नहीं पाएंगे रूल्स। कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेडिशनल अप्रोच ये भी बहुत जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जिसे हम ब्रिटिश अप्रोच या इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं, इस अप्रोच में हम लोग अपने अकाउंट्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तीन टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। वैसे अगर हम अब इसमें कर रहे हैं कि पर्सनल इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल भी तीन टाइप के हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स, और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं कि ये क्या है। कायदे से हमें पहले पर्सनल अकाउंट सीखना चाहिए इस अप्रोच के हिसाब से, लेकिन जो कि 11th क्लास में सिखाया जाता है वही सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हम लोग सबसे पहले पर्सनल अकाउंट आकर सीखेंगे तो हमारी जर्नल एंट्रीज गलत बननी शुरू हो जाएंगी, जो 11th के स्टूडेंट्स जनरली बनाते हैं गलत एंट्री और आगे जाकर हमेशा गलत एंट्री बनाते हैं। क्योंकि आप मेरे से सीख रहे हैं तो मैं आपको कोई गलत बात सिखाऊंगा नहीं, तो हम पर्सनल अकाउंट को लास्ट में पढ़ेंगे, पहले हम इम्पर्सनल अकाउंट पढ़ेंगे। इम्पर्सनल अकाउंट में हमारे इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब जो पर्सनल अकाउंट नहीं है, मतलब जो किसी इंसान, कंपनी, फर्म से रिलेटेड नहीं है। उन इम्पर्सनल अकाउंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज रियल, सेकेंड पार्ट इज नॉमिनल। रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट एक्सक्लूडिंग डेटर्स। डेटर्स इसलिए छोड़ा क्योंकि ये पर्सनल हो जाते हैं, तो पर्सनल डेटर को छोड़कर बाकी सारे के सारे रियल डेटर्स, या एक्चुअली में यहाँ डेटर्स की जगह हम ये बोल सकते हैं एक्सक्लूडिंग पर्सनल अकाउंट्स, क्योंकि बैंक अकाउंट भी छोड़ देंगे क्योंकि बैंक भी पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट को छोड़कर हम लोग जो भी असेट्स के अकाउंट की बात करेंगे, वेदर दीज आर टेंजिबल असेट्स और इंटेंजिबल असेट, उन सब असेट को हम रियल अकाउंट बोलेंगे। टेंजिबल असेट वो होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड। तो ऐसी है लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये सब हमारी रियल टेंजिबल असेट्स हैं। और इंटेंजिबल असेट जिसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, गुडविल बिजनेस की पॉपुलैरिटी, एक्सटर्निंग पावर, पेटेंट अगर आपने कोई रिसर्च के थ्रू कोई नई चीज बनाई है जो दुनिया में पहले कभी नहीं बनी तो उसका आपको पेटेंट मिल जाता है, वो आपके अलावा कोई और नहीं बना सकता, या आपकी अप्रूवल के अलावा कोई और नहीं बना सकता, ये हमारी असेट होती है। ट्रेडमार्क, अगर हमारा कोई साइन है ट्रेडमार्क है। इसके रूल्स हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब ये क्या मतलब है इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए असेट का डेबिट बैलेंस होता है ये हमें पता है,
और जब भी एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है रूल नंबर वन, और जब भी कम होती है क्रेडिट होती है रूल नंबर टू, ये भी हमें पता है। तो यहां पर क्या हुआ, बच्चों को सिखाने के लिए रूल नंबर ए और बी बोल रहा हूं मैं, वैसे ये रूल नंबर वन और रूल नंबर टू है जो हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा था। जब भी असेट इंक्रीज होगी तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो इसे बच्चों को सिखाने के लिए क्या बोला, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा उसे डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसे क्रेडिट करेंगे। जाने का मतलब असेट कम होगी, आने का मतलब असेट बढ़ेगी। यहां पर वर्ड की जगह अगर हम, बेहतर होगा अगर हम वर्ड यूज करें डेबिट असेट्स कम्स इन, क्रेडिट असेट्स गोज आउट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ऐसा बोलने का एक रीजन है। कमीशन मिला, क्या मिला, कमीशन। तो बच्चे पता है क्या कहते हैं, कमीशन अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि सर आपने बताया डेबिट व्हाट कम्स इन, कमीशन आ रहा है उसे डेबिट करेंगे। बच्चों बताइए क्या कमीशन हमारा रियल अकाउंट है, क्या कमीशन असेट होती है। असेट है जो कैश मिला हमें, कमीशन जो चेक मिला वो असेट है, कमीशन असेट थोड़ी ना। कमीशन तो इनकम है, और वो इनकम और एक्सपेंस के जो अकाउंट होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो कमीशन हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो उसमें नॉमिनल अकाउंट के रूल लगेंगे। तो बच्चे के कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन में डेबिट असेट्स कम्स इन लगाना है और क्रेडिट असेट्स गोज आउट लगाना है। ये रियल अकाउंट के रूल है, ये बच्चा भूल जाता है, कहता है जो भी आएगा आएगा डेबिट कर देंगे और जो भी जाएगा क्रेडिट कर देंगे। हम कहते हैं सैलरी पेड, कहते हैं सैलरी जा रही है, ये सैलरी नहीं जा रही है, कैश जा रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं या तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या डेबिट असेट्स कम्स इन क्रेडिट असेट्स गोज आउट। अल्टीमेटली ये रूल नंबर वन एंड टू है। ये मुझे पसंद इसलिए नहीं है क्योंकि जब डेप्रिसिएशन लगता है तो डेप्रिसिएशन लगने से हमारी एसेट की वैल्यू डाउन होती है। असेट रूल नंबर टू, असेट की वैल्यू डाउन होती है तो हम उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। अब असेट जा तो नहीं रही हमारे पास से, डेप्रिसिएशन होने से उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो यहां पर असेट कम्स इन असेट गोज आउट का मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, तो रूल नंबर वन एंड टू ही है। डेप्रिसिएशन लगने पे हमारे पास असेट जाती नहीं है, उसकी वैल्यू डाउन होती है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी रियल असेट होगी, आएगी मतलब बढ़ेगी, मतलब खरीदेंगे तो डेबिट होगा, कम होगी क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड, एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड अकाउंट होते हैं। जैसे सैलरी हो गया, परचेजेस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सेल्स हो गया, कमीशन हो गया। तो नेट रिजल्ट नॉमिनल अकाउंट का जो भी होता है, फाइनली जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। ये बात की बात है, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा वो भी ओनर का है, लॉस होगा वो भी ओनर का है, तो ओनर का अकाउंट कैपिटल है, वहीं जाएगा और कहाँ जाएगा। इसके रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बच्चों हमने क्या पढ़ा था, रूल नंबर थ्री, क्या था रूल नंबर थ्री, इंक्रीज इन एक्सपेंस शुड बी डेबिटेड, रूल नंबर थ्री जो हमने पढ़ा था। तो हम इसको यहाँ सी बोल देते हैं। और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इनकम को क्रेडिट करिए, हमने कौन सा रूल पढ़ा था, रूल नंबर फाइव, हम इसको डी बोल देते हैं। रूल नंबर फाइव में हमने पढ़ा था क्योंकि इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है वो इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ बच्चों को सिखाने के लिए क्या बोला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। बेसिकली ये जो मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड इंग्लिश अप्रोच, ये बच्चों को सिखाने की जगह रटवाने वाला काम ज्यादा कर रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं डेबिट, उन्हें ये पता हमने डेबिट करना है क्योंकि उन्हें फॉर्मूला याद किया, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस तो डेबिट करेंगे, क्यों करेंगे नहीं, डेबिट करेंगे। इसीलिए मुझे ये ठीक नहीं लगता है। आप लोगों को मैंने जो पहले सिखाया वो ज्यादा बढ़िया है और इस उसको इसी से कोरिलेट कर रहा हूं। स्कूल में सबसे पहले पर्सनल अकाउंट सिखाया जाता है। बच्चों अगर आप सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के रूल लगाएंगे
तो मैं गारंटी देता हूं आपकी जर्नल एंट्री गलत ही बनेगी, इसलिए आप उससे बचिए। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स से पहले या बाद में अगर कुछ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड वगैरह लग गया तो वो नॉमिनल अकाउंट ना रह करके पर्सनल अकाउंट बन जाए। इसका मतलब ये है, जैसे सैलरी है, सैलरी होता है नॉमिनल अकाउंट क्योंकि ये एक्सपेंस होता है, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब अभी सैलरी देना है, और सैलरी जब हम देंगे तो ये हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी रूल नंबर 7-8 मतलब लाइबिलिटी मतलब किसी को पैसा देना है, और अगर हम किसी को पैसा देंगे तो पर्सनल ही हो सकता है, किसी पर्सन को ही पैसा दे सकते हैं, लाइबिलिटी है तो पर्सनल अकाउंट ही होगा। तो अगर सैलरी प्रीपेड है, अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, कोई एसेट अक्रूड है, कुछ भी प्रीपेड आउटस्टैंडिंग अक्रूड है, तो ये सब क्या है, ये सब पर्सनल अकाउंट है ना कि नॉमिनल। तो इसके लिए पर्सनल अकाउंट के फॉर्मूले लगेंगे, जैसे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड रेंट, सैलरी, कमीशन आउटस्टैंडिंग, ये सब क्या है, पर्सनल अकाउंट्स है। तो हम पर्सनल अकाउंट पर भी आ जाते हैं। पर्सनल अकाउंट जो किसी इंडिविजुअल, किसी इंसान से रिलेटेड है, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, कंपनी से रिलेटेड है, डेटा क्रेडिटर होगा, ये सब पर्सनल अकाउंट है। जैसे राम एंड कंपनी, जो एंड कंपनी, कंपनी के नाम के एंड में कंपनी नहीं लिखा होता, कंपनी लिखा है, इसका मतलब ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के नाम के एंड में एंड कंपनी लिखा होता है, और कंपनी के नाम के एंड में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। डेटर्स पर्सनल अकाउंट है, जावेरियन कंपनी अगेन पार्टनरशिप फर्म है, सप्लायर ऑफ गुड्स क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल ओनर का पर्सनल है, ड्रॉइंग्स ओनर का पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, इसे हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी इज नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन मतलब जो पर्सन भगवान ने बनाए हैं, जैसे मैं हूं, आप हैं, तो हम सब क्या है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे राम्स का अकाउंट, आशा का अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है कि जो भगवान ने नहीं हमने बनाया, जैसे कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूशन है, तो वो हमने बनाया, तो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जैसे कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, क्लब हो गया। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये अकाउंट ऐसे हैं जो कुछ लोगों को या ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रेंट हमने लैंडलॉर्ड को देना है तो हम नाम लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, तो आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसी लैंडलॉर्ड को, तो इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये बात हो गई। अदर एग्जांपल है जैसे प्रीपेड रेंट, अक्रूड कमीशन, अनर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमारी कंपनी में 1,000 एम्प्लॉई है, और हम अपने एम्प्लॉई को नेक्स्ट मंथ 7th को सैलरी की पेमेंट करते हैं, मार्च में, 31 मार्च को मार्च की सैलरी की अभी पेमेंट नहीं हुई है क्योंकि वो पेमेंट 7 अप्रैल को होगी, तो 31 मार्च को हमारी एंट्री होगी सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, मींस हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखेंगे, अभी सैलरी देना है किसे, देना 1,000 एम्प्लॉयज को, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, पर्सनल अकाउंट, और ये रिप्रेजेंटेटिव है, क्यों रिप्रेजेंट कर रही है 1,000 हमारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, तो इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रही है। इसके रूल्स, रूल्स बहुत सिंपल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब अगर ये रूल सबसे पहले लगा दिया तो अनर्थ हो जाएगा, आप अनर्थ ही नहीं करेंगे, इसे लास्ट के लिए रखेंगे, पहले ए बी सी डी लगाएंगे, ए बी मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सी डी मतलब डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तब भी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं होगी तब यहां पर आएंगे, मजबूरी है ये, ठीक है, याद रखना, लास्ट में डेबिट द रिसीवर, आपने राम को पेमेंट दिया, पैसा दिया राम को, तो राम रिसीवर है तो राम डेबिट हो जाएगा। आपको श्याम से पैसा मिला है तो श्याम गिवर है, श्याम क्रेडिट हो जाएगा,
लेकिन ये लास्ट में लगाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं इसे लास्ट में, शुरू में लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम, सैलरी पेड टू राम। अगर आप सबसे पहले इसे लगा देंगे तो राम पर्सनल अकाउंट है, राम रिसीवर है, तो हम राम को डेबिट कर देंगे और एंट्री गलत हो जाएगी। डेबिट द रिसीवर, भैया रूल है, राम रिसीव कर रहा है पैसा तो राम डेबिट होना चाहिए। नहीं, तो आप सबसे पहले लगाएंगे रूल नंबर ए और बी, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मैंने कहा व्हाट की जगह एसेट बोलिए, डेबिट असेट्स कम्स इन क्रेडिट असेट गोज आउट। तो हमारे पास से कैश जा रहा है, सैलरी की पेमेंट है तो असेट जा रही है, कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट असेट्स गोज आउट। सी डी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस यस, सैलरी एक्सपेंस, तो सी और डी में सी लगेगा, सैलरी डेबिट हो जाएगी, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी डेबिट होगी और कैश क्रेडिट होगा। अगर आप सबसे पहले आप ई और एफ रूल पर्सनल अकाउंट को लगा देंगे तो आप कहेंगे राम डेबिट होगा, क्योंकि राम रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, इसीलिए आपको वो लास्ट के लिए रोक कर रखना। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं रूल नंबर ए, डेबिट असेट्स कम्स इन क्रेडिट असेट गोज आउट। रूल नंबर ए एंड बी, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट कौन से होते हैं, पर्सनल अकाउंट को छोड़कर सारी असेट्स। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसिव लॉसेस इनकम एंड गेन्स से रिलेटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और रूल नंबर थ्री, पर्सनल अकाउंट चाहे इंडिविजुअल फर्म कंपनी कैपिटल, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। मैं आपको एक बात फिर से बोल रहा हूँ, इनको मजबूरी है, सीखना है हमें, नॉलेज होनी चाहिए, हम सीख रहे हैं, लेकिन आप अगर इनको लगा करके हमेशा एंट्री बनाएंगे तो आप फंस जाएंगे, बहुत सारी जगह फंस जाएंगे आप। तो आपको मॉडर्न अप्रोच ही लगानी चाहिए, लेकिन इसकी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, हमें बताना है कौन सा अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है। बताइए कैश क्या है, जल्दी बताओ, आवाज नहीं आई। कैश मेरे ख्याल से रियल है, क्योंकि ये टेंजिबल असेट है। बैंक क्या होता है बताओ, बैंक, बैंक होता है पर्सनल, क्योंकि बैंक एक कंपनी होता है, रिप्रेजेंट, ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये एक कंपनी है जो इंसान के द्वारा बनाई गई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है बताओ, बताया तो था आपको, आउटस्टैंडिंग सैलरी है पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसा देना है, लायबिलिटी है। सेल्स, सेल्स है नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये हमारा रिवेन्यू है, रिवेन्यू को क्रेडिट करते हैं, रूल नंबर फाइव, रूल नंबर डी। ठीक है, एक्रूड इंटरेस्ट क्या है बताओ, एक्रूड इंटरेस्ट मुझे याद नहीं है, आप जल्दी से बताओ। पर्सनल, और कौन सा पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, क्योंकि ये जिससे पैसा लेना है, इंटरेस्ट लेना है, उस इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, ये रियल अकाउंट, टेंजिबल असेट है। ड्रॉइंग्स क्या है, पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, नॉमिनल है, क्योंकि ये इनकम है। एक्सपेंसेस इनकम सब नॉमिनल अकाउंट होते हैं। बैड डेट्स, लॉस है, लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट है। पर्सनल
परचेजेस खर्चा है, माल खरीदा यूज होगा, नॉमिनल अकाउंट है, जो माल बच जाएगा उसे स्टॉक बोलेंगे, वो असेट होंगे। अभी हमने माल खरीदा तो हम ये मानते हैं ये खर्चा हो गया क्योंकि यूज हो जाएगा। बेड डेट्स रिकवर्ड इनकम है, नॉमिनल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, रियल अकाउंट। असेट है, दिखाई भी देती है। कैपिटल, पर्सनल अकाउंट, ओनर का अकाउंट है। इंटरेस्ट, नॉमिनल अकाउंट। एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट, पर्सनल अकाउंट। बैंक को पैसा देना है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी कोई भी होगी, पर्सनल अकाउंट ही होगा। प्रीपेड रेंट अगेन पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, लैंडलॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसे हमने एडवांस रेंट दिया है। कैरिज इनवर्ड नॉमिनल अकाउंट, हमारा एक्सपेंस है। गुडविल, गुडविल रियल अकाउंट, हमारी असेट है। इंटेंजिबल असेट है, नो डाउट, दिखाई नहीं देती है लेकिन असेट है। रियल असेट विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, हम जिसको बेच सकते हैं। कोई भी असेट है, चाहे टेंजिबल चाहे इंटेंजिबल, एक्सेप्ट पर्सनल अकाउंट, इसे हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा आगे का काम है, ये हमें बताना है कि ये पर्सनल रियल नॉमिनल है और ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। रेंट रिसीव्ड, रेंट 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 कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल। रोल क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो क्रेडिट होगा। रोल नंबर ए बी सी डी, रोल नंबर डी। मशीनरी परचेज्ड एक रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब डेबिट एसेट्स कम्स इन, तो डेबिट होगा। रोल नंबर ए हमने पढ़ा था। गुड्स परचेज्ड माल खरीदा, नॉमिनल नेचर का एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा। रूल नंबर सी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट होगा। रूल नंबर एफ क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट, ओनर ने पैसा दिया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। रेंट पेड, रेंट हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट होगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रूल नंबर सी। रूल तो आपको याद करने पड़ेंगे, बिना उसके कुछ भी नहीं होने वाला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट करेंगे। रूल नंबर डी। बिल्डिंग सोल्ड रियल अकाउंट है, क्रेडिट होगा। क्यों होगा क्रेडिट, क्योंकि रूल नंबर बी कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट असेट गोज आउट, असेट बेच दी कम हो गई वैल्यू, तो क्रेडिट हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल नेचर, हमारा एक्सपेंस है, डेबिट होगा। रूल नंबर सी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुड्स सोल्ड हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, क्रेडिट होगा। रूल नंबर डी क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, रिवेन्यू है, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें पता चला कि कैसे कैसे डेबिट और क्रेडिट होने वाली हैं ये चीजें। हमें बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में, एक हुआ कैश एक हुआ कैपिटल। कैश हमारा रियल है, रियल हमारा रोल नंबर ए। रोल नंबर ए कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट असेट्स कम्स इन, तो डेबिट होगा। कैपिटल क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट है। रूल नंबर एफ क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट द गिवर। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेजेस नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट हो जाएगा। कैश
रियल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट एसेट गोज आउट, तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। रूल नंबर बी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश हमारा रियल अकाउंट है, कैश बढ़ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल नंबर ए डेबिट हो जाएगा। सेल करा है तो सेल्स हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, सेल्स नॉमिनल है। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, रूल नंबर डी, तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स तो हम क्रेडिट कर देंगे। रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम रामीन कैश, तो पर्सनल अकाउंट को लास्ट में रखेंगे। कैश हमारा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, रूल नंबर ए रियल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट 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 नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, हमारी इनकम है, इनकम क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट हो जाएगा। रूल नंबर डी पढ़ा था हमने, तो हम पर्सनल रियल नॉमिनल में रियल नॉमिनल और पर्सनल इस सीक्वेंस में जनरल एंट्री बनाएंगे। और आपको ये पता भी चल गया होगा कि अगर हम लोगों ने ये सारे के सारे रूल्स याद रखे हैं तो जनरल एंट्री बनाने में हमें कोई टेंशन होने वाली नहीं है। सोल्ड गुड्स टू अशोक, सोल्ड गुड्स सेल्स, सेल्स अगेन नॉमिनल, रूल नंबर डी, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो क्रेडिट होगा। कैश आया नहीं, उधार बेचा है। अशोक, अशोक कौन है, हमारा पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, रूल नंबर ई, तो पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट हो जाएगा, इसका नाम अशोक ही लिख देंगे, अशोक डेबिट। परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर हमारी रियल असेट्स होती है, रियल असेट का रूल नंबर ए, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारे पास फर्नीचर आ रहा है। कैश, कैश रियल कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट असेट गोज आउट, तो रूल नंबर बी जा रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। अब पेड वेजेस, वेजेस हमारा नॉमिनल नेचर का अकाउंट है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रूल नंबर सी डेबिट कर देंगे। कैश हमारा रियल अकाउंट है, रूल नंबर बी, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट असेट गोज आउट, तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। इसे अच्छे से संभालिए, आगे जाकर फिर मैं आपको जनरल एंट्री सिखाने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। 1% में आ गया तो कोई टेंशन नहीं होने वाली है जब तक आप इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस करिए।